राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को संपन्न हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जिस तरह से एमडीडीए ने शहर के विभिन्न मार्गों को सजाने और संवारने का काम किया था, उसी की तर्ज पर अब प्राधिकरण शहर के 80 किलोमीटर अन्य मार्गों का भी सौंदर्यीकरण करेगा। इसके तहत वॉल पेंटिंग, म्यूरल्स आदि के कार्य किए जाने प्रस्तावित है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए तमाम कार्यों को शहरवासियों के द्वारा खूब सराहा जा रहा है। वहीं एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि शहर के 80 किलोमीटर मार्गों पर सौंदर्यीकरण के लिए कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नववर्ष में प्राधिकरण का लक्ष्य है कि शहर में अधिक से अधिक सौंदर्यीकरण और विकास के कार्य किए जाएं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट। देखिए, G20 में भी जो हम लोगों ने सौंदर्यीकरण पर काम किया उसकी काफ़ी जन सामान के द्वारा उसको अप्रिसिएट किया गया, तारीफ की गई, तो उसी को बढ़ाते हुए इन्वेस्टर समिट में हम लोगों को काम मिला था। उसमें देहरादून की 13 मुख्य सड़कों को हमने लिया था और उससे भी काफ़ी जन सामान्य से हम लोग जो फीडबैक आया बहुत अच्छा है। तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि बाकी जो बची हुई सड़कें हैं उनको भी लिया जाए, तो ऐसी लगभग 30 सड़कों को हमने और चिन्हित किया है देहरादून में, ऋषिकेश में, और विकासनगर की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं, तो उन सड़कों का भी सौंदर्यीकरण हम लोग करेंगे।